आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार। उत्तराखंड में प्रचार जोरों पर है क्योंकि 14 फरवरी को राज्य में वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने कोरोना के दौरान मुफ्त राशन और कई अन्य योजनाओं के माध्यम से गरीबों को सहायता प्रदान की है। अगर कांग्रेस राज्य का शासन कर रही होती तो भ्रष्टाचार होता। ये लोग अपने समय की लूट खसोट और भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अचानक उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति भी याद आने लगी है। जिन लोगों को देश की विरासत कभी समझ नहीं आई, जिन लोगों ने कभी मां भारती की रक्षा के लिए मरने मिटने वालों का सम्मान नहीं किया, वो आज संस्कृति की बातें कर रहे हैं। अरे, इतने सालों तक राज किया, मेरे इस क्षेत्र में लाखों बंगाली परिवार रहते हैं। बंगाली परिवारों ने जिंदगी अपनी यहां लगा दी है, लेकिन देखिए, हिंदुस्तान के लोग भी ये सुनकर के हैरान हो जाएंगे। आजादी के बाद से लेकर के हमारे बंगाली भाई बहन यहां रहते हैं, लेकिन उनके पहचान पत्र में एक लिखा हुआ रहता था, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। आजादी के इतने सालों के बाद भी मेरे बंगाली भाई, उनको मैं मां भारती का बेटा हूं, ये हक पाने के लिए लड़ते रहना पड़ा। मैं धामी जी की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे बंगाली भाइयों के हक को स्वीकार किया और पूर्वी पाकिस्तान जो लिखा गया था पहचानों में, उसको हटाने का काम कर दिया। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की दशकों से एक ही पॉलिसी रही है, चुनाव में वादे करो, बड़े बड़े वादे करो, सरकार बनाओ और फिर वादे नहीं, घोटाले करो, भ्रष्टाचार करो। चुनाव आए तो फिर नए वादे करो। इस बार भी जो वादे इन्होंने किए हैं वो झूठ का पुलिंदा है। ये गरीबी हटाने का झूठ बोलते हैं, 40 साल से गरीबी हटाओ कहते रहे हैं, गरीबों को गरीबी में और नीचे धकेलने के लिए करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटाने में लगे रहते हैं। दशकों तक इन लोगों ने पहाड़ के लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा, गरीबों को पलायन के लिए मजबूर किया, गरीबों को पक्का घर, गरीब बहनों को गैस कनेक्शन, गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन, टॉयलेट की सुविधा, नल से जल की सुविधा, ऐसी मूल सुविधाएं देने के लिए डबल इंजन की सरकार ही आपके लिए काम कर रही है। साथियों, ये आपके बीच आकर झूठ का चौगा लगा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यही है कि उत्तराखंड में घोटाले के चौके छक्के लगाते रहे, ऐसा ही उनका चरित्र है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने खनन माफियाओं के साथ मिलकर मां गंगा को भी इन्होंने नहर घोषित कर दिया था। ये लोग मां गंगा को भी लूटने में लगे हुए थे, और यही उनमें और हमारे में फर्क है। हम मां गंगा की स्वच्छता के लिए काम करते हैं, ये गंगा पर भी हाथ चालाकी करके वहां की रेत में से खनन करके रुपयों की चोरी करने में लगे रहते हैं। उद्यम सिंह नगर जिले में नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए 17 नालों को बंद करने का काम भी किया जा रहा है। इन नालों के पानी को साफ करने के लिए करोड़ों की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, कोरोना के इस काल में
डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में विकास को भी रफ्तार दी है और गरीबों की भी चिंता की है। इतना बड़ा संकट आया, 100 साल की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी आई, लेकिन यहां के तराई के क्षेत्र से लेकर पहाड़ों पर बसे गांवों तक हमारी सरकार ने किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। हमने चिंता की कि गरीब के घर का चूल्हा जलते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए आज भी हर गरीब को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। देश की ताकत, उत्तराखंड के लोगों की ताकत ने आज इस रैली को सच करके दिखाया है। ये इसलिए मुमकिन हो रहा है क्योंकि आज उत्तराखंड के पास वैक्सीन की सुरक्षा कवच है। हमारे उत्तराखंड ने रिकॉर्ड समय में 100% आबादी का सिंगल डोज वैक्सीनेशन करके दिखाया है। मैं इस जागरूकता और निष्ठा के लिए आप सभी नागरिक भाइयों बहनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपके युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार की टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वैक्सीनेशन का काम गांव गांव घर घर पहुंचाया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्यों में चुनाव प्रचार बस कुछ ही घंटों में थम जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने देहरादून के सहसपुर में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के लोगों का अत्याचार किया है। आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड की जब रचना होती थी इसके लिए आंदोलन होता था, उस वक्त ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या हो? आज आपके सामने जब कांग्रेस के नेता वोट मांगने आए तो देवभूमि के वासियों ये जरूर पूछ रहा कि रामपुर तिराहा पर हमारे बच्चों पर गोली किसने चलाई थी? यही कांग्रेस और उनके साथी सपा बसपा थे जो देवभूमि को बनने नहीं देते थे, उत्तराखंड को बनने नहीं देते। अटल जी ने बड़ा साहस कर जरा भी विवाद के बगैर उत्तराखंड की रचना करी और आज अपना उत्तराखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देश के बीच में विद्यमान है। उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने किया और उत्तराखंड को संवारने का काम हमारे अभी के प्रधानमंत्री और हम सब के लाडले नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्र नरेंद्र, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब केवल 2 दिन बाकी है। इसी क्रम में शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने बागेश्वर के कपाटकोट में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सवाल किया जाना चाहिए कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उत्तराखंड को दिए गए विशेष दर्जों को क्यों खत्म किया। कहा कि उत्तराखंड राज्य को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है, लेकिन जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आई और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई तो बहनों भाइयों, जो आपको विशेष दर्जा मिला हुआ था उत्तराखंड राज्य को, उसको समाप्त कर दिया। लेकिन जब हमारे नरेंद्र मोदी जी
2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो बहनों भाइयों, एक विशेष दर्जा जो पहाड़ी राज्यों को होता है, फिर से उन्होंने उत्तराखंड को देने का काम किया। कांग्रेस के लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए, क्यों आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य को, जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष दर्जा दिया था, उसको समाप्त किया? क्या उत्तराखंड के लोगों ने अपराध किया था? बहनों भाइयों, फिर भी आप लोगों ने अपनी भलमनसाहत दिखाई और समय समय पर आपने यहां पर कांग्रेस की सरकार बनाई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरे शबाब पर है। इस बीच वोटरों को लुभाने की खातिर तमाम पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं। जहां पीएम मोदी रुद्रपुर में हुंकार भरे थे, वहीं उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर धामी ने भी जनता को संबोधित किया। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर काम हुआ है, पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का, हिंदुस्तान का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के सपूत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, कोरोना महामारी के दौरान अगर ये महामारी किसी और कालखंड में आई होती, जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की जगह अन्य कोई और होता, तो ये वैक्सीन जो हमको 6 महीने के अंदर मिल पाई, ये वैक्सीन मिलने में 15-20 साल लग जाते भाइयों बहनों। और मोदी जी ने देश के करोड़ों करोड़ लोगों की रक्षा के लिए रात दिन प्रयास करने के बाद हमको वैक्सीन मिल पाई, हमको सुरक्षा का कवच मिल पाया। और ये वैक्सीन जिसकी कीमत 1750 रुपये होती है, एक बार मुफ्त में लगाने का काम हुआ, दोबारा दूसरी डोज भी मुफ्त में लगाने का काम हुआ, और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में अब मुफ्त में लगाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, देश की 80 करोड़ जनता को कोई भूखा न रहे, बिना भोजन के न रहे, किसी को खाली पेट न सोना पड़े, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड के भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना का लाभ मिला है, सीधे सीधे उनके घरों में अन्न पहुंचा है। ऐसे अनेकों कार्य, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं उधम सिंह नगर की जनता की तरफ से कि आपने यही बगल में हमारे किच्छा क्षेत्र में एम्स का दूसरा सैटेलाइट सेंटर भी दिया है। भाइयों बहनों, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता था, अब हमको उसकी सुविधा यहीं पर मिलने वाली है। आपसे हमने अनुरोध किया था कि टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जिसकी मांग कई दशकों से चल रही थी, और पता नहीं न जाने कितने लोग इस मांग को करते करते हमारे बीच में से भी चले गए, किसी ने कभी सुनवाई नहीं करी, इस सुनवाई को भी करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, अनेकों कार्य हैं, मैं अगर इनको गिनाऊंगा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ कितना लोगों को मिला है हम अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच हर किसी को देने का काम किया है। जितने कोरोना महामारी में सारे के सारे अस्पतालों में आज अवस्थापना सुविधाएं, चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर हो, कंसेंट्रेटर हो, बुनियादी सुविधाएं हो, उत्तराखंड के हर अस्पताल में आपके आपके आशीर्वाद के कारण से हर अस्पतालों में सुविधा हुई है। भाइयों बहनों, आपके द्वारा अनेकों कार्य हुए हैं। देश में इस वक्त चुनावी माहौल है, वहीं उत्तराखंड में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, इसलिए तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। वहीं बीजेपी ने भी बड़ा दांव खेलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ आज टिहरी पहुंचे, जहां नेतृत्वों को कितना अपमानित कर दो, जिनको स्वयं ये अपने को कि कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है को आगे बढ़ा देती है। कांग्रेस ने कभी इसको अपने एजेंडे में नहीं लिया, उसका जीता जागता धर्म है। प्रचार के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया, आखिरी दिन उत्तराखंड लगाए। जो कोई नौजवान एक छोटा सा पर नहीं है, रोजगार नहीं है, कोरोना फैला दिया पूरे देश में राजनीति करके, तो हम क्या करते, मैं पूछना चाहती हूँ।
आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं थी था, क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते? ऐसे बच्चे थे जो साइकिल पे अपने माँ बाप को बिठा के चला रहे थे 600 किलोमीटर दिल्ली से बिहार तक। मुझे याद है मैसेज आते थे, हम उत्तराखंड के हैं दीदी, कहीं ना कहीं से हमें मदद कर दो, खाने को नहीं है, एक दिन का खाना बचता है, हमें मदद कर दो। मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। क्यों किया? हम राजनीति कर रहे थे क्या? हम अपना धर्म निभा रहे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दूसरे चरण मतदान से पहले बदायूं के दौरे पर रहे। अखिलेश यादव ने बदायूं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमले किए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं और जो थोड़े बड़े नेता है वो थोड़े बड़े झूठ बोलते हैं। वह थोड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े हैं वह सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। जो हवा बदली है और जो भारतीय जनता पार्टी के पहले चरण से ही हवा खराब हुई है, ये आगे वाले चरण में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और हवा खराब होने वाली है। ये चरण ऐसा है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और खासकर बदायूं में, और खासकर बदायूं में किसी का खाता नहीं खुलने वाला। पहले चरण में तो जो खबर आ रही है, सुनने में आ रहा है कि इस बार किसानों ने और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी कर दी है। अगर पहले चरण में ये हाल है तो बताओ दूसरे चरण में क्या होगा। ये मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज था, बाबा मुख्यमंत्री ने इसको खाली कॉलेज बना दिया है। बताओ ये भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है कि नहीं है? हमारे किसान भाइयों सच बताओ, इस बार जब खाद लेने गए थे, खाद मिल गई थी कि नहीं मिल गई? और अगर खाद की बोरी लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? है कोई देश में मुख्यमंत्री जिसने अपने मुकदमे वापस लिए हों? यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इधर सुना हम लोगों ने, चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली कर दी कि वर्चुअल रैली होंगी, हम लोग भी वर्चुअल रैली करने लगे। अब वर्चुअल रैली के जगह अब फिजिकल रैली भी होने लगी। बीजेपी वाले पहले डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, इनकी बहुत तस्वीरें आ रही थी कि डोर टू डोर कैंपेन पे निकले हैं, और इधर इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। कभी सोचा आपने कि डोर टू डोर कैंपेन क्यों बंद हो गया? जब से घर परिवार के लोग लाल सिलेंडर इन्हें दिखाने लगे, तब से इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया। यूपी के रण में पीछे चल रही बसपा ने अब रफ्तार पकड़ ली है। बसपा सुप्रीमो लगातार जनसभाएं कर रही हैं और बसपा की लहर बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में मायावती औरैया में बेला के भदौरा गांव में शनिवार को चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा सरकार बनी तो कर्मचारियों की समस्याएं हल करने को आयोग गठित होगा, उनकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। खासकर
दलितों व अति पिछड़े वर्गों तथा इनके संतों गुरुओं व महापुरुषों आदि के साथ तो हर स्तर पर अधिकांश समय इनका सोतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। संकट समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इन वर्गों के लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है, विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार। शाहजहांपुर के ददरौला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह के समर्थन में संजय सिंह ने जनसभा की और लोगों से बिजली, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर वोट देने की अपील की। इसके साथ ही मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जाती है तो हम कहते हैं हमें स्कूल बनाना है, हमें अस्पताल बनाना है, हमें सड़कें बनानी है, हमें उद्योग धंधे लगाना है, हमें रोजगार देना है, हमें किसानों के फसल का दाम देना है। भाजपा चुनाव प्रचार में जाती है, ये मनहूस पार्टी चुनाव प्रचार में जाती है तो भाजपा ही कहते हैं हमें शमशान बनाना है, हमें शमशान बनाना है, हमें शमशान बनाना है। अरे हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, तरक्की चाहिए, विकास चाहिए। हमारे खास कार्यक्रम जुबानी वार पलटवार में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।